नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल अच्छा घर होम प्लान में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पक्षीमुखी घर का नक्शा। जी हाँ, काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे पक्षीमुखी घर के लिए, तो पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग ये नक्शा रेडी किया गया है। 28x42 का प्लाट है, 28x42 का प्लाट रहेगा टोटल। तो बहुत ही प्यारा सा आपके लिए नक्शा लेके आए हैं, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट में आपका पूरा घर बनकर रेडी हो जाएगा। नया घर बनाने जा रहे हैं तो स्क्वायर फीट का जरूर आपको पता होना चाहिए। पहले अपनी जमीन को स्क्वायर फीट में आप निकाल लें, ताकि आप निकाल सकें कि घर पर कितना खर्चा लगेगा, ताकि आप आर्थिक हानि से बच सकें। उसी के बाद आप अपने घर का निर्माण स्टार्ट करें। फिर अपने घर का नक्शा वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाइए। इधर उधर नेट से लेकर कभी भी घर का निर्माण ना करें। बिना वास्तु के बने हुए घर भूतों का निवास माने जाते हैं, इसलिए आपके लिए हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शे। आज का जो प्लाट है, आगे आपके फ्रंट से रोड जा रही है पश्चिम दिशा है, यानी कि वेस्ट फेसिंग होम प्लान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लाट की जो चौड़ाई है 28 फीट है। सेम चौड़ाई प्लाट की पूर्व दिशा है पीछे की तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 फीट है। प्लाट की लंबाई की बात करते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 फीट 42 है, और दक्षिण दिशा की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 42 है। तो 1200 स्क्वायर फीट में टोटल आपका घर बन रहा है। सबसे पहले पश्चिमुखी घर है, तो आपको वास्तु के अनुसार यहाँ से लेकर यहाँ तक दरवाजा लगाना है। यहाँ दरवाजा मेन जो लोहे का डोर है वो यहाँ पर लगेगा। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि काफी स्पेस में काफी बड़ी आपको आपके लिए स्पेसफुली जगह रखी गई है। 14 फीट का चौड़ाई रहेगी इस जगह की, 14 फीट में स्पेस रखा गया है ये। और उसके बाद में ये आपका बाइक वगैरह के लिए पार्किंग के लिए स्पेस है, बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हैं आप। 14x जो इसकी चौड़ाई लंबाई लेंथ रहेगी वो है 6 फीट, और 14 फीट आपकी जो चौड़ाई रहेगी। तो 6x14 का पार्किंग स्पेसफुली होता है। इस साइड में आप अपने कोई भी जो फूल वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी आप ग्रीन ग्रीन एरिया बना सकते हैं इसको, और सामने का एरिया पार्किंग के लिए बाइक स्कूटी के लिए रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ से आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमने जो सीढ़ी दी है 2 सीढ़ी, उसके बाद में बाहर बैठने के लिए आपको ये आपका ड्राइंग एरिया दिया गया है, यानी कि ड्राइंग रूम दिया गया है। ड्राइंग रूम दिया गया है, ड्राइंग रूम काफी स्पेस में यानी कि बड़ा आपके लिए ड्राइंग रूम रखा गया है। ड्राइंग रूम का जो एरिया रहेगा वो आपका 7 फीट की चौड़ाई रहेगी, और सेम आपका 14 फीट की ऐसे चौड़ाई 14 फीट है, 7 फीट की लेंथ रहेगी ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम का मतलब होता है कि बाहर आप बैठने के लिए या तो यहाँ पर सोफे वगैरह सेट कर सकते हैं, या कोई भी गेस्ट के लिए बैठने की जगह होती है उसको ड्राइंग रूम या बैठक बोलते हैं। एक विंडो आपकी यहाँ पर आपकी सेट हो जाएगी ताकि अच्छी हवा आ सके ड्राइंग एरिया में, यानी कि ये गेस्ट के बैठने का गेस्ट रूम आप कह सकते हैं छोटा। एक विंडो आपके उत्तर की दिशा में जो रोड है उधर ओपन हो जाएगी, क्योंकि प्लाट अपना कॉर्नर का है पश्चिम, और उत्तर में रोड जा रही है, और आपके पूरब और जो आपके दक्षिण एरिया है इस साइड में आपके अदर प्रॉपर्टी है, दूसरों के मकान है। ड्राइंग एरिया से आप अंदर एंटर करते हैं तो ये आपका हॉल आ गया है, पूरा आंगन ये हॉल रहेगा जिसका दरवाजा आपके यहाँ पर रहेगा। और ड्राइंग एरिया में एक हमने लेट बाथ दिया है, अटैच लेट बाथ यहाँ पर रखा गया है। 7 फीट का इसकी लंबाई रहेगी अटैच लेट बाथ की, और जो चौड़ाई है वो 4.5 फीट है। कॉमन लेट बाथ रखा गया है ड्राइंग एरिया के अंदर, यानी आप बाहर से इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो वेंटिलेशन है वो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रोवाइड करवा सकते हैं, डायरेक्ट सामने से अगर आप देना चाहें वेंटिलेशन तो यहाँ, वरना आप पीछे की तरफ इधर दे सकते हैं, अपनी सीढ़ियों के नीचे दे सकते हैं। सबसे बेस्ट सीढ़ियों के नीचे का ऑप्शन आपके सबसे बेस्ट रहेगा, तो आप अपने ड्राइंग एरिया का जो वेंटिलेशन है वो सीढ़ियों के नीचे से इधर से आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये आपका हॉल आ गया। हॉल का जो मेजरमेंट है वो हम आपको बता देते हैं, 13 फिट जो इसकी टोटल आपकी रहेगी, तो ये हॉल आपका रहेगा टोटल 12 फिट में। 12 फिट हॉल की आपकी लंबाई रहेगी, और जो चौड़ाई की हम हॉल की बात करते हैं कि आपका काफ़ी स्पेसफुल ये हॉल रहेगा। तो उसके बाद में देखिए, यहाँ से हॉल से आप इधर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपका पूजा घर आ गया है। ये पूजा घर है, और पूजा घर के अंदर एक स्टोर रूम और दिया गया है, एक्स्ट्रा कोई भी सामान रखने के लिए स्टोर रूम दिया गया है। ये आपका 6 फीट का रहेगा और ये 5.5 फीट का रहेगा, तो स्पेसफुली रहेगा। और जो इसकी लेंथ की हम बात करते हैं, ये आपके पूजा घर की, तो ये आपकी 5 फीट का इसके लेंथ रखा गया है, और इसकी भी 5 फीट रहेगी।
तो 5x6 का पूजा घर है, काफी स्पेसफुल रहेगा। पीछे की तरफ आपकी वेंटिलेशन हो जाएगा पूजा घर का। फिर आंगन से आप इधर आते हैं तो आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रूम प्रोवाइड करवाया गया है। रूम मिलेगा, ये आपका फर्स्ट रूम आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर एक डोर है और अटैच लेट बाथ दिए गए हैं। कॉमन लेट बाथ आपके घर के जो बाहर ही दे दिए गए हैं, डायरेक्ट आपके ड्राइंग एरिया की तरफ बाहर दे दिए गए हैं, जो एक सिट आउट है। और ये आपका अटैच लेट बाथ रहेगा इस रूम से, रूम के अंदर। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 3.5 फीट रहेगी और 7 फीट का। इस लेट बाथ का वेंटिलेशन के लिए हमने एक डॉट रखा है, क्योंकि दक्षिण की तरफ आपके कोई भी जगह नहीं है खुली जगह, तो ये ओपन टू स्काई रहेगा। ये OTS रहेगा, ओपन टू स्काई, जिसके अंदर लेट बाथ का एक विंडो और एक दरवाजा विंडो दे सकते हैं आप। और अगर इस लेट बाथ का चाहें तो इन दोनों लेट बाथ के बीच में जो दीवार है ऊपर से 2 फीट आप छोटी रख सकते हैं, ताकि दोनों लेट बाथ का इस ओपन स्पेस से वेंटिलेशन हो जाए। तो उसके बाद देखिए, ये आपका रूम रहेगा। रूम आपका 12 फीट की लंबाई में रहेगा और रूम की जो चौड़ाई है वो आपका रहेगा 9.5 फीट का रूम की चौड़ाई रहेगी। तो काफ़ी स्पेसफुली आपके रूम रहेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इस कॉर्नर के अंदर आपका एक दरवाजा लगेगा और एक रूम आपका इस कॉर्नर के अंदर और दिया गया है। ये आपका सेकंड रूम रहेगा। रूम की जो लेंथ रहेगी वो आपकी रहेगी 11 फीट रहेगी और जो लंबाई रहेगी रूम की वो 14 फीट है, ऐसे रूम की लंबाई रहेगी। रूम से एक दरवाजा पीछे जाने के लिए दिया गया है, क्योंकि पीछे 3 फीट का हमने स्पेस छोड़ा है जहाँ पर आप ग्रीन एरिया बना सकते हैं टोटल अपना। तो पूरा स्पेस छोड़ा गया है पीछे वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि पूरब दिशा में अदर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर स्पेस रखा गया है। उसके बाद में देखिए, ये स्पेस हो गया। उसके बाद में आप आगे आएंगे तो यहाँ पर इस रूम का एक वेंटिलेशन विंडो रखा गया है, एक विंडो हमने इधर दे दिया है, तो काफ़ी बड़ा 11x14 का रूम हो गया। उसके बाद में एक डोर यहाँ पर लगेगा। अंदर आएंगे तो ये आपका रसोई घर है, ये आपका किचन हो गया है। किचन की जो लंबाई रहेगी वो 11 फीट रहेगी और जो चौड़ाई रहेगी वो आपकी 9 फीट रहेगी। किचन के अंदर एक स्टोर रूम दिया गया है आपको, ये स्टोर रूम रहेगा 11x3.5 फीट का स्टोर रूम रहेगा। वेंटिलेशन किचन का डायरेक्ट इस ओपन स्पेस में हो जाएगा, जो आपके ग्रीन एरिया के लिए 3 फीट पूरी गैलरी रखी गई है पीछे की तरफ, उसमें किचन की विंडो भी खुल जाएगी, रूम की भी खुल जाएगी और आप चाहें तो स्टोर रूम की खोल सकते हैं। तो 28x42 में आपको बेस्ट प्लान दिया गया है। लेट बाथ आपके बाहर ही दे दिए गए हैं और एक रूम में अटैच लेट बाथ दे दिए गए हैं, काफ़ी यूजफुल रहेगा, कोई उसमें नहीं है। ये जो OTS रखा गया इसको आप वॉश एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आज का प्लान आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। तो थैंक यू।